प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नागरिकता कानून के विरोध में पूरे देश में हो हल्ला मचा। देश के अलग अलग जगहों में इसका विरोध देखा गया। नागरिकता कानून के विरोध में आए दिन होने वाले हंगामे मीडिया में चर्चा का विषय रहे। इसी हो हंगामे के संदर्भ में यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में योगी ने बताया कि किस तरह कोरोना काल में दुबके लोग सीएए के विरोध में हो रहे उपद्रव के समर्थन में आए। सीएम योगी ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि मैं देख रहा था, लखनऊ में एक ऐसा परिवार है जो कोरोना काल में कहीं नहीं निकला, कहीं नजर ही नहीं आया, लेकिन जब सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो वही परिवार उपद्रव करते नजर आया। वो सड़कों पर आगजनी करने आ रहे थे तो उनके समर्थन में पूरा खानदान निकल पड़ा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किए गए इस ट्वीट पर लोगों की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस ट्वीट के अलावा भी सीएम योगी ने कई ट्वीट किए हैं। अपने अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आप सभी याद रखना, अनुसूचित जाति समाज का नींव है। नींव दिखती नहीं है किंतु भवन उसी पर खड़ा होता है, भवन की मजबूती उसी पर निर्भर करती है। इधर योगी के सीएए पर ट्वीट के बाद एक बार फिर मीडिया में नागरिकता कानून को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं अपने दूसरे ट्वीट में सीएम योगी ने लिखा कि हमारा कोई धर्म नहीं, कोई मत और मजहब नहीं, कोई उपासना विधि नहीं, बस एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म का उपासक बन करके जो कार्य करेगा, अपने आप को समर्पित करेगा, वो लोक के लिए पूज्य हो जाएगा, समाज उसको पद पद पर सम्मान देगा। अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जो भी राष्ट्र धर्म के मूल्यों को रौंद कर अपने स्वार्थ के लिए सत्ता की चटुकारिता करता हुआ दिखाई देगा, समाज उसको कूड़ेदान में फेंक कर हमेशा के लिए भुला देगा। इस अपडेट में इतना ही। दूसरी जानकारी के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।